संडे का दिन है, मैं फिर से संडे का व्लॉग कर रहा हूँ आपके लिए। ये वाला आएगा? हाँ, ये वाला बैक आएगा उसमें, ठीक है, ये पूरा का पूरा बैक आएगा, मगर उसमें सिर्फ ये वाली लाइटें आएंगी। इसका पूरा जो है ना, ये डोर बनेगा पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक। इसमें जो है, ये पीछे का ग्लास नहीं आएगा, ये फ्लैप नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, नहीं आएगा फ्लैप। क्या क्या दिक्कत? डोर बनेगा पूरा। तो ये डोर में ये नहीं आ सकता, ये डोर में नहीं आ सकता, तो अपन ये फाइबर को सीधा सीधा। हाँ, तो वो मुझे भी पता है, उसको डिजाइन देना ही नहीं है पीछे, सिर्फ ये नीचे का डिजाइन देना है उसको, ठीक है ना। तो गाइस, अपना तो स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में चल ही रहा है काम। यहाँ पे आज ये वाली गाड़ी बन रही है, जिस जो आपको मैं कह सकता हूँ कि ये ना एक जनरेटर वैन है सत्संग के लिए। ये गाड़ी जो है सत्संग में चलेगी, जनरेटर वैन लेके चलेगी। दिल्ली के अपना कस्टमर है, दिल्ली से कोई महाराज है उनकी ये है, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इनकी एक गाड़ी बाहर भी रुकी हुई है। ये वाली वो है जिसमें ये जो है डोर रहेगा चढ़ने के लिए अंदर से। आपको ना इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, जैसे ये स्ट्रक्चर बना है इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। ये वाला जो है कैबिन रहेगा, जिसमें मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे एसी वेसी रहेगी, इसमें सोने वाने का रहेगा क्योंकि बहुत दूर दूर तक चलती है। फिर वहाँ से यहाँ जो पार्टीशन आएगा, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने खुला छोड़ा है, यहाँ पे एक छोटा सा डोर आएगा, और यहाँ से यहाँ तक का पार्टीशन जो है ना, वो अपना चलेगा उस पर जनरेटर के लिए। फिर यहाँ ये वाला यहाँ से जो पीछे तक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा उनका सामान वमान जो भी है वो पूरा इसमें जाएगा। तो ये एक अपना जो ना स्पेशल पर्पज प्रोजेक्ट चालू है, जो जनरेटर वैन रहेगी और लोगों को ले जाने के लिए रहेगी। इसमें जो है स्प्लिट एसी रहेगी घर वाली, इसमें जो बसों में लगती है वो नॉर्मल वाली एसी रहेगी, ये घर वाली रहेगी। तो इसका ना पूरा प्रोजेक्ट चल ही रहा है अभी, ये फ्लोर व्लोर सब कुछ कर ही रहे हैं हम। वैसे अपने पास अभी बहुत सारी बसेस रेडी होके खड़ी है, और आज संडे का दिन है, फुल फ्लेज में काम चालू है अपना, क्योंकि संडे भी हम बंद नहीं रख रहे हैं। और सिनाटी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में आपको मतलब क्वालिटी कम नहीं मिलेगी, क्वालिटी बहुत ख़तरनाक और बहुत अच्छी दे रहे हैं हम। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि अब जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, ये वाला जो चैनल है, ये वाला कई बॉडी बिल्डर ये वाला चैनल जो है वो 2 mm का लगाते हैं, ये वाला 2 mm का सब लोग यूज़ करते हैं, बट हम 5 mm में यूज़ कर रहे हैं। ये 5 mm का यूज़ हो रहा है अपने पास में। इसमें ये आप देख सकते हो कि मैं लेंथ बता देता हूँ, ये 5 mm में यूज़ हो रहा है। तो वैसे तो ये बस बॉडी बिल्डिंग में 2 mm में यूज़ होता है, बट यहाँ पे जो क्रॉस मेंबर है वो 5 mm में है। तो ना बिल्ड क्वालिटी 15 साल के हिसाब से, 15 से 20 साल गाड़ी को कुछ नहीं होगा, इतनी बिल्ड क्वालिटी है। क्योंकि मेन होता है बसों में स्ट्रक्चर, और वो वही है स्ट्रक्चर जो मेन है। बेस अगर मजबूत होगा तो कस्टमर भी सेटिस्फेक्शन होगा, और जो अंदर बैठे रहेंगे पैसेंजर वो भी सेफ़ बहुत सेफ़ है। तो उसी के हिसाब से आज संडे का दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। ये वाली तो आप जान ही गए, स्पेशल पर्पज़ है, और उसके साथ में ये अपनी रेडी हो गई है बस। ये स्ट्रक्चर के बाद का प्रोसेस है, जो पैनलिंग है स्ट्रक्चर के बाद में जो होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, फिर यहाँ से इसको घुमा दिया, ये ऐसा हो गया, बैक लग गई। ये अपना न्यू है बैक, ये न्यू बैक है, मतलब ये वाली जो लाइटें हैं ना, ये इम्पोर्ट की गई है चाइना से। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे एक गाड़ी बन रही थी जो कि उमंग प्रो मॉडल थी, वो यही प्रो मॉडल है, ये वाला, ये उमंग प्रो मॉडल है यहाँ पर, अब देख सकते हो, ये उमंग प्रो मॉडल है, बन रहा है ये, मतलब रेडी है। आपको बताया ही है कि हम उमंग प्रो बना रहे हैं, तो इसका मैं एक लुक बता देता हूँ मैं आपको कैसा आता है।
अब जैसे कि पेंट हो गई गाड़ी पूरी की पूरी, बस पेंट हो गई, उसका हिसाब। ये आप देख लो, ये जो है ना उमंग प्रो का बैक है जो पेंट हुई रखी है गाड़ी, ये बस पेंट हो रखी है। और इसका ये फ्रंट है, कितना सुंदर फ्रंट है देख लीजिए आप। इसमें जो लाइटें भी लग रही है ना वो भी ख़तरनाक वाली है। ये भी इम्पोर्टेड है, ये बाहर से आई है। ये मतलब ये वाली ना, ये देख सकते हो आप, इम्पोर्टेड लाइट है पूरी की पूरी ये वाली। ये वाली आपको इतना नीचे दिख रहा है, ये वाली फ्रंट है उसकी। और हमारा ये तो उमंग प्रो मॉडल है, ये अपना बन रहा है सेनोरिटा मॉडल जो आप देख सकते हो। इसको आप देखोगे ना, मैं बैक नहीं जा सकता ज़्यादा, इसको आप देखोगे ना ये मतलब एक आँख जैसी दिखेगी आपको, किसी की आँख है। फिर अपने पास ये वो वाला मॉडल है उमंग प्रो, जिसमें शीशे वीशे सब लग गए हैं। ये अब बेसिकली ट्रिम के सेक्शन में है, क्योंकि पेंट हो जाने के बाद गाड़ी इलेक्ट्रिकल वलेक्ट्रिकल काम सब कुछ चलता है। और ये डैशबोर्ड इसीलिए खुला है, इन बसों में आपको लगेगा कि इसलिए डैशबोर्ड खुला है ना, क्योंकि इसका डैशबोर्ड भी नया बन रहा है और वो भी अलग क्वालिटी का होगा। ये देख लो, ये मैं यूं ही दिखा दूँ आपको, किसी की आंख लगती है, क्योंकि ये वाली जो जाली है ना, जाली ये वहाँ यहाँ से जो जाली है ये जाली पेंट होगी। और ये रही अपनी मिनी बस, ये मिनी उमंग, तो ये भी इसी के अंदर भी काम चल रहा है। ये सेंटर है, ये वाला जो डोर है वो सेंटर डोर में है, और यहाँ से ये दिल्ली चलेगी, आप देख सकते हो। फाइनल जो मतलब जब बनती रहती है तब बहुत काम चलते रहते हैं, तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल अपना काम करते रहता है, फिर ट्रिम वाला अपना काम करते रहता है, सब लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। इस वजह से ना थोड़ा गंदा बहुत लगता है और गंदगी बहुत होती है, इसीलिए जो है कि अब क्या ही बोले, मैं बता दिया आपको कि अंदर कैसा रहता है। मगर ये फाइनल जब लुक आता है तब हम उसको मतलब 00 सफाई कर देते हैं पूरी की पूरी, और इतनी सफाई करते हैं कि आप उसके बारे में फिर आपको लगता है कि यार ये कैसे बनी। तो यही है बस। और ये है अपनी अरबानिया मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफाई अरबानिया है, शायद आपने देख ही रखी होगी। ये वो है अरबानिया की मॉडिफिकेशन करते हैं हम यहाँ पे पूरा, ये एक अलग सेगमेंट है अपना, ये मॉडिफिकेशन का सेगमेंट अलग है, इसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो आ चुका है। तो ये अपना पूरा सिनाटी का मॉडिफिकेशन है, आप देख सकते हो कितना संडे निकलता है, ठीक है। जैसे डिलीवरी करो, वो करो, काम करो, बस काम करो और कुछ मत करो, यही होता है प्राइवेट सेक्टर। अब देखो सब कुछ हो गया था और किसी गधे ने जो है इस पर कपड़ा मार दिया, ठीक है। अब ये गंदा हो गया, गाड़ी डिस्पैच के लिए है, ये सौमिराज की गाड़ी है, डिस्पैच के लिए है। फिर से इलेक्ट्रिशियन को लगा दिया, निकालो भाई, चेंज कर दो। और ये कंपनी का मेन इलेक्ट्रिकल दीपक ओडिशा से हैं ये, ठीक है। और इनके साथ काम करते हुए सब कुछ, हाँ उत्तराखंड से, और इनसे मिलिए जी, ये है अपने पाजी सोनू पाजी, ठीक है। और ये जितना भी आप ग्राफिक्स देख रहे हो इस पे, ये पेंट है, जितना भी आप ग्राफिक्स देख रहे हो ये सब इन्हीं की कारीगरी है, आर्टिस्ट यही है इसके। ये सब कुछ इन्हीं का है, बाहर से जो भी ग्राफिक्स वगैरह करना है ये इन्हीं के अंडर होता है, ये खुद ही अपने आप से करवाते हैं, ठीक।
और इसी के साथ अपनी पूजा वूजा पूरी ख़त्म हो गई है, अब देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक बार अंदर की गाड़ियाँ दिखा देता हूँ, आपने ये सब चीज़ देख रखा होगा, ठीक है। इसी के साथ ये नया वाला बेबी स्टेप दे रखा है, ठीक है, ये इंटरनल है। फोर्टी फाइव सीटर, मगर एज़ पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आप देख सकते हो कि एमरजेंसी डोर पे अपना जो है सीट नहीं आई हुई है, तो ये बस जो है 43 सीटर है। और इसी हिसाब से आप बस का इंटीरियर देख सकते हो, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ये सौमिराज ट्रेवल्स की पूना जाएगी, जो दिल्ली से नीमराना राजस्थान से पूना जा रही है। तो आप बिल्ड क्वालिटी, फिनिशिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हो कि सिनाटी ऑटोमोबाइल जो है क्वालिटी देता है। और उसी के साथ ये आप इसके कुछ शॉट्स देख रहे हो, तो देख लीजिए, ठीक है। ये आपको, ये है FRP, ठीक है। इसमें हमने उड़न दे रखा है, यह आप देख सकते हो, उड़न हमने दे रखा है इसमें। इस AC है JTAG की, सॉरी मोबस की AC लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है। और उसी हिसाब से ये IL व्यू देखिए आपको कहाँ मिलेगा, एकदम IL व्यू है पूरा का पूरा। इसमें जो है पैकोलिन के AC लोअर्स लगे हुए हैं, ये पैकोलिन के AC लोअर्स हैं जो कि पैकोलिन कंपनी बनाती है। और इस हिसाब से आप कर्टन देख सकते हो, ये हमारे इन हाउस हैं, ठीक है, ये इन हाउस कर्टन हैं जो हम खुद सिलते हैं यहाँ पे। 80% जो भी काम होता है अपना इन हाउस होता है, हम कहीं से बाहर से कुछ नहीं खरीदते, क्योंकि अपना जो है बहुत सारा मटेरियल में डिफेक्ट्स आते हैं, इसीलिए हम सब कुछ इन हाउस करते हैं और ये उसी के हिसाब से है। बोलिए दीपक सर, हमारे यहाँ पे गाड़ी बना के आपको कैसा लगा सिनाटी में? बहुत अच्छा, सब अच्छी टीम है, आपके सर भी अच्छे, जो चाहिए वो सब करके दिया। आपको कोई दिक्कत आई गाड़ी में? जो दिक्कत विक्कत थी वो सब क्लियर करके दिया है जी। इतनी अच्छी सर्विस मिली, सब इतनी अच्छी गाड़ियाँ बनी है, दिल खुश हो गया। सब अच्छे लोग है, सब अच्छी टीम है, तब इधर आने की कोशिश करो और गाड़ी इधर ही बनाने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट गाड़ी आप बनाएंगे हमारे साथ? पक्का पक्का पक्का, ये अभी दोनों जाने दो, पक्का बनाएंगे।